दोस्तों, लॉकडाउन एक्सटेंड होने के कारण आरबीआई मोरेटोरियम पीरियड को और 3 महीने तक आगे बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है। जब पहली बार 21 दिन का लॉकडाउन किया गया, तब 27 मार्च को आरबीआई ने अनाउंसमेंट करके 3 महीने तक का मोरेटोरियम पीरियड सभी लोन धारकों को प्रोवाइड किया था। और उसके बाद दूसरे चरण में फिर से 19 दिन का लॉकडाउन किया गया और फिर से तीसरे चरण में 14 दिन का लॉकडाउन किया गया। तो अभी लॉकडाउन वापस से एक्सटेंड होने के कारण आरबीआई और 3 महीने तक मोरेटोरियम पीरियड को एक्सटेंड करने के बारे में विचार कर रही है। उस पर बैठक भी हो चुकी है और सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एनबीएफसी की इस पर सहमति भी बन गई है। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द 2 से 3 दिन के अंदर इसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो भी हो जाएगा और सभी लोन धारकों को 31 अगस्त 2020 तक का मोरेटोरियम पीरियड दिया जाएगा। चाहे आपका लोन किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में चलता हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक में चलता हो या किसी एनबीएफसी में चलता हो, सभी लोन धारकों को 6 महीने तक का मोरेटोरियम पीरियड दिया जाएगा, यानी 3 महीने तक का मोरेटोरियम पीरियड और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। दोस्तों, जब हमने 27 मार्च को मोरेटोरियम पीरियड के ऊपर अपना पहला वीडियो बनाया था, जिसमें हमने आरबीआई की अनाउंसमेंट की बात की थी, तभी हमने कहा था कि इस लॉकडाउन की परिस्थिति में सभी लोगों की जब इनकम बंद है, तब बैंकों को सभी को राहत देनी ही पड़ेगी, सभी लोन धारकों को राहत जरूर ही मिलेगी। और उसमें यह भी बताया था कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 6 महीने तक का मोरेटोरियम पीरियड सभी लोन धारकों को देंगे। और भारतीय संघ बैंक, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने भी आरबीआई को रिक्वेस्ट की है कि और 3 महीने तक का मोरेटोरियम पीरियड लोन धारकों को दिया जाए, क्योंकि जो 27 मार्च को 3 महीने तक का मोरेटोरियम पीरियड दिया गया था वो लगभग खत्म होने को आया है। 27 मार्च को 31/5/2020 तक की जो भी ईएमआई है उसको डिफर करके वहां तक का मोरेटोरियम पीरियड दिया गया था, तो 31 मई 2020 की डेट भी नजदीक आ रही है और तब तक लॉकडाउन खुलेगा कि नहीं ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन मोरेटोरियम पीरियड में जो सबसे बड़ी अभी प्रॉब्लम हो रही है वो ये है कि काफ़ी प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसी अपने कस्टमर्स को जो मोरेटोरियम पीरियड है वो प्रोवाइड नहीं करा रहा है। तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को ये आदेश दिया है कि आरबीआई सख्ती से मोरेटोरियम पीरियड का जो है पालन करवाए। जो भी एनबीएफसी या प्राइवेट बैंक्स मोरेटोरियम पीरियड का पालन नहीं कर रही है, आरबीआई उन पर सख्ती दिखाए और सख्ती से मोरेटोरियम पीरियड का जो है वो पालन करवाए। तो अब जो नेक्स्ट 3 महीने का मोरेटोरियम पीरियड एक्सटेंड होगा, उस पर सभी बैंक्स को, सभी एनबीएफसी को सख्ती से उसका पालन करना होगा और सभी को अपने लोन धारकों को मोरेटोरियम पीरियड प्रोवाइड कराना होगा। इसके अलावा और एक सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इस पर मोरेटोरियम पीरियड पर जो इंटरेस्ट है वो माफ नहीं किया गया है। मोरेटोरियम पीरियड के दौरान भी लोन धारकों को इंटरेस्ट तो चुकाना ही है, तो ये एक सबसे बड़ी मुश्किल जो है लोन धारकों को हो रही है, क्योंकि अगर 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड मिलता है और 6 महीने तक इंटरेस्ट लोन में चढ़ता रहता है तो मोरेटोरियम पीरियड खत्म होने के बाद काफी ज्यादा लायबिलिटी जो है वो लोन धारकों पर बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट में माफी नहीं होने के कारण 3 महीने का मोरेटोरियम पीरियड भी जिन्होंने अप्लाई किया है उन्हें 3 EMI की जगह 7 से 8 EMI पे करने पड़ेंगे। तो अगर वो 6 महीने तक मोरेटोरियम पीरियड का लाभ लेते हैं और अपनी 6 EMI नहीं चुकाते हैं तो इंटरेस्ट के साथ उनकी लायबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी कि उनको बाद में 15 से 16 EMI चुकाने पड़ जाएंगे। तो इंटरेस्ट माफ़ी के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक PIL दाखिल की गई है, जिसका वीडियो हमने पहले भी बनाया था, लेकिन अब तक उसके ऊपर ना तो कोई सुनवाई की गई है ना तो उस पर कोई विचार किया गया है। तो मोरेटोरियम पीरियड के अलावा आरबीआई को और गवर्नमेंट को इंटरेस्ट में माफ़ी के लिए भी ज़रूर से सोचना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सभी लोगों की इनकम बंद है, सभी लोग ईएमआई चुकाने में असमर्थ है, तो ऐसे में अगर उनके ऊपर इंटरेस्ट का बोझ बढ़ता रहा तो बाद में लोन चुकाने में उन्हें काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट को, आरबीआई को, सभी को इंटरेस्ट माफ़ी के बारे में भी ज़रूर आगे सोचना पड़ेगा। अगर लॉकडाउन इतना लंबा चलता है तो इसके बाद इंटरेस्ट में भी उन्हें ज़रूर ही राहत देनी पड़ेगी, वरना सभी लोगों के लिए लोन चुकाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 6 EMI की जगह पर अगर उन्हें 15-16 EMI चुकाने पड़ गए तो ये काफ़ी ही मुश्किल आगे उनको खोने वाली है। तो बिना इंटरेस्ट माफ़ी के मोरेटोरियम पीरियड का कोई मीनिंग है ही नहीं। अगर मोरेटोरियम पीरियड आरबीआई को देना है तो उसके साथ उनको इंटरेस्ट में भी माफ़ी ज़रूर देनी पड़ेगी और इसके ऊपर भी आगे ज़रूर ही कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा। जैसे ही इसका कोई अपडेट आएगा तो उसकी जानकारी भी आपको हमारे इस चैनल पर जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे बी स्मार्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने घर पर रहे, सुरक्षित रहे और देखते रहे बी स्मार्ट। जय हिंद।